हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरिया का जो है 7500 जो है आपको, जिसमें 150 प्रैक्टिस सेट है, उसका जो है हम करने जा रहे हैं। और ये जो है आपको वीडियो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, तो 150-150 सेट जो है हम यहाँ पर आपको करेंगे वन बाई वन, जो है एक एक सेट कर करके जो है। अभी पहला सेट है, हो सकता है कि किसी और वीडियो में दो तीन सेट एक साथ हो, तो ये जो है हम करते रहेंगे। और ये सारे सेट का जो है आपको PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ आप ज्वाइन करके इसको ले लीजिएगा। जितना सेट होगा उसका PDF डलता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा ये है पहला सेट। ये बाइलिंगुअल है, जहाँ पे क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसको इंग्लिश में भी करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक कौन थे, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? तो इसको किया था B.R. अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या कह रहे थे कि ये जो है मैं इसमें आंसर करते हुए जाऊंगा, ताकि जो है टाइम ज़्यादा ना हो, आपको जो है मतलब होता है आंसर से, इतने चार ऑप्शन पढ़ने का कोई मानी मतलब है नहीं। और आप लोग कमेंट में जो है अपना स्कोर भी बता सकते हैं, आपका कितना नंबर आया। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो ये जो है आपको किस शहर में ये सभा की गई थी, खिलाफत कमेटी की सभा? तो ये जो है आपको इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ऑटोमन एम्पायर को जो है जब डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, हटा दिया गया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, तो ये आंदोलन शुरू हुआ था, खिलाफत को जब खत्म कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो स्थापना में शामिल नहीं थे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने स्थापना ही की थी पुणे में। एनी बेसेंट भी थी, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, एनी बेसेंट वाले इससे जुड़े हुए थे। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी होम रूल लीग की। H.S. ऑलकॉट नहीं थे, तो जो ऑलकॉट है, कर्नल ऑलकॉट जो है वो इसके संस्थापक नहीं थे। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली बंगाल में जो घटना हो गया था, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था, उस वक्त जो है महात्मा गांधी के जो है पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो कौन थे? तो वो थे प्यारे लाल। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट था वो जब खत्म हो गया, तो उसके बाद जो है अनसक्सेसफुल रहा, तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? रचनात्मक कार्यक्रम को मतलब कि महत्व दिया इन्होंने, प्रोग्रेसिव वर्क की तरफ जो है उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में जो है उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं वगैरह भी स्थापना की, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग वगैरह भी बीच में ही स्थापना की। और ये जो है शुरू कब से हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, साबरमती आश्रम से दांडी तक, और ये 6 अप्रैल यानी 24 दिन तक ये मार्च चला। और उसके बाद गांधी जी ने नमक का जो है, नमक जो ये था कर था, उसका जो है उल्लंघन इन्होंने किया साल्ट लॉ का। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ भी है जिसमें आपको वंदे मातरम मिल जाएगा, पोस्ट मास्टर नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, देवी चौधरानी भी है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश विधान परिषद मतलब कि जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके समक्ष जो है, उसके सामने जो है ये प्रपोजल रखा था किसने, कि प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी और फ्री होना चाहिए, ये बात किसने कही थी 1911 में? तो ये कहा था गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में जो है सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की थी? तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। मलिक काफूर की मदद से जो है, काफिर की मदद से इन्होंने ये आपको कैंपेन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह जो है साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये इस विद्रोह से किसका जो है आपको संबंध, जो व्यक्ति है इससे कौन रिलेटेड है, किस पर्सन का रिलेशन है? तो अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ जो है एक समुदाय था, और वो जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है पागलपंथी जो है आपको एक मतलब कि ये कह सकते हैं जो मांगने वाले दरवेश वगैरह होते हैं उनकी जो है एक संस्था थी, और इसको जो है इसकी स्थापना करम शाह ने की थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बंगाल में किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और बाबर जो है
तो वो सैन्य कौशलता तो उसमें थी ही, एक ट्रेन था आर्मी में बहुत ज्यादा, जो है वो एक ट्रेंड व्यक्ति तो था ही, साथ में तुगलमा पद्धति जो है उसका यूज इसने किया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुगलमा पद्धति जो है चारों तरफ से घेर के फिर तोप वगैरह का प्रयोग जो है उसमें किया जाता है, तो जिसकी वजह से बाबर जो है ये युद्ध जीत पाया था। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मिडाइवल टाइम में जो है शर्की जो राजवंश है, डायनेस्टी है, इसकी स्थापना किसने की थी, जिसके बाद में जो है आपको शेरशाह सूरी जो है यहीं से पढ़ाई वगैरह की भी किए थे, तो इसकी स्थापना जो है मलिक उल शर्क ने किया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए हैं, तो सबसे ज्यादा शवदान जो है आपको बच्चे के जो है आपको स्केलेटन मिला है, कहाँ से मिला है? तो वो मिला है जोड़वे संस्कृति से, ऑप्शन बी जो है इसका जोड़वे कल्चर से जो है वो मिला है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो सबसे ज्यादा जो है भागवत जो है संप्रदाय जो है उसको किसने सबसे ज्यादा पैट्रोनेस दिया, उसके राज में सबसे ज्यादा भागवतिज्म जो है वो बढ़ा, तो वो था गुप्ता। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धामेक का स्तूप जो है आपको सारनाथ में स्थित है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो है प्रवचन सरमन दिया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा की बातों को मानने से, उसके अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो ये जो था अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को देखेंगे तो यूरोप जो है और उत्तरी अमेरिका को देखेंगे तो दोनों जो है किससे अलग होता है, कौन सा ओशन से जो है दोनों को बाइफरकेट करता है, डिवाइड करता है? तो ये जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो भावर का जो क्षेत्र है जहाँ से नदी जो है निकलना शुरू होती है वो किसका उदाहरण है? तो गिरिपद स्थिति का उदाहरण है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सोलर फैमिली से, सोलर सिस्टम जो है उससे जो है रिलेटेड नहीं है इसमें से कौन? तो क्षुद्र ग्रह भी है आपको, ग्रह प्लैनेट भी है, धूमकेतु यानी कॉमेट भी है, निहारिका नहीं है और नेबुला जो है नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है, उससे रिलेटेड जो है कौन आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 26 ये किससे रिलेटेड है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो आप जो है अपना रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, उसका जो है आपको अधिकार है, फ्रीडम है। अनुच्छेद 40 तो ये जो है ग्राम पंचायत जो है, ये तीन हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन चार हो जाएगा, मतलब कि पंचायती राज सिस्टम का जो है एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। अनुच्छेद 58 संसद सचिवालय की बात करता है, ये जो है टू हो जाएगा, ये पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट की बात करता है। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन यानी यूनियन टेरिटोरी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, तो ये वन हो जाएगा। 3421 3421 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? तो किस पे जो है जो स्थानीय निकाय है उसका नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतों का नियंत्रण नहीं होता, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से गलत है, तो देखते हैं स्टेटमेंट में से। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, तो सही है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में है और ये यूएसए के बिल ऑफ राइट से हमने इसको लिया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो ये गलत है क्योंकि मृत्यु का अधिकार नहीं है बल्कि राइट टू लाइफ है, जिंदगी का अधिकार है आर्टिकल 21 में। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो ये ऐसा नहीं है, पूरी तरह से भारतीय जो है वो सेंट्रल यूनियन नहीं है, ये एक पार्शियल फेडरल है, थोड़ा फेडरल है थोड़ा यूनियन है, तो दो ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, मूलभूत अधिकारों को ऐसे नहीं हटाया जा सकता संविधान के अनुसार, नहीं कहीं पे ऐसा चीज़ है, तो ये जो है ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बी सी और डी तीनों गलत है। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो 2011 में जो है 97 जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 में वो किससे रिलेटेड था? तो वो था सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है आपको एस्टेब्लिशमेंट और उसके वर्क से रिलेटेड था। और ये 14 वर्ष के बच्चे को जो मुफ्त शिक्षा की बात है 6 से 14 वर्ष के, ये 86 में जो है संशोधन से हुआ था 2002 में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित
किया गया। तो ये जो है आपको कब पारित किया गया था, तो ये 1996 में जो है आपको पारित किया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीडीआई एक क्या है, तो पीडीआई जो क्या है, तो ये जो है आपको जो सारा पैसा आप दे देते हैं कर वगैरह टैक्स वगैरह भर देते हैं, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसको हम पीडीआई कहते हैं। मतलब कि पर्सनल जो उसके बाद जो आपके पास पर्सनल इनकम बचता है उसको ही आप कहते हैं पीडीआई। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, तो जैसे ही आप स्पिरिट वगैरह को जो है लगाएंगे तो वो आपको ठंड महसूस होगा क्योंकि ये अत्यंत वाष्पशील है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है, जिसकी वजह से आपका जो है वो क्या करता है, हीट जो है वो लेके उड़ जाता है। जब जल जल वाष्प में परिवर्तित होता है, तब जब जो है वाटर वेपर में चेंज होता है तो क्या होता है, तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। तो ये जो है आपको जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो मौजूद होता है वो क्या होता है कि फिर से जैसे ही संपर्क में आता है तो वो वाटर इसमें जो है ओके हीट लेता है और वो वाटर वेपर में जो है ओके निकल लेता है। हरे पौधे सूरज के प्रकाश की ऊर्जा का 10% ग्रहण करते हैं और उसे खाद ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो जो ग्रीन प्लांट होता है वो कितना परसेंट जो है सूरज का जो एनर्जी आता है उसका लेके और उसको जो है एक फर्टिलाइजर के तौर पे जो है यूज करता है एक एनर्जी के तौर पे, तो 1%। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सूची एक और सूची दो दी गई है, इसको जो है मिलाना है। तो आर्सेनिक का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आर्सेनिक का यूज़ हम करते हैं आपको फेफड़े के कैंसर वगैरह के यूज़ के लिए, ऑप्शन वन जो है करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम जो है वो क्या है, तो हड्डियों में कमजोरी वगैरह आती है उसके लिए, थ्री हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इससे क्या होता है कि आपको एयर पॉल्यूशन होता है और आपको सांस की बीमारी होती है, ऑप्शन फोर जो है इसका हो जाएगा। अब बेरियम जो है वो होता है मस्तिष्क सूजन, जो है आपका ब्रेन वगैरह में इन्फ्लेशन हो जाता है उसके लिए, तो ऑप्शन टू। 1342 कहाँ पे है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर प्रेजेंट हो और एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल को जो है हम अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, तो वो बनता है एस्टरीकरण। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, ग्रेफाइट जो है एक दूसरे से परत क्या होता है, वंडरवाल्स फोर्स के थ्रू, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने में संबंध है, तो ये जो है आपको यातायात संचालित जो है नगर वगैरह में सिटी वगैरह में भूरी वायु जो है ब्राउन जो है एयर बनाने में कौन सा जो है हेल्प करता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है एसिड रेन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा एसिड रेन में यही एसिड रेन यह कारक भी है। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो कौन से टिश्यू जो से जो है इंसान में ग्लैंड का जो है वो डेवलपमेंट होता है, तो ये होता है उपकला उत्तक, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एपिथीलियल टिश्यू इसको कहते हैं। मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो जो आप लार सलाइवा है उसमें कौन सा जो है लाइसोजाइम होता है जो आपके फूड को स्टार्च को जो है डाइजेस्ट करता है, तो अमाइलेज होता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो जो प्लांट है उसमें जो स्टोमेटा का बंद होना और खुलना जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन जो प्रेशर है, इन्फ्लेटरी प्रेशर, स्पीति दाव, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे गार्ड सेल जो है इसको रेगुलेट करता है। निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है, तो ये फूल का जो है एक अंश भाग कौन सा है, फ्लावर का जो है पार्ट है, तो वो है स्त्री केसर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिस्टिल। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, रेड फास्फोरस के बारे में पूछा जा रहा है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, तो ये सही है, ये जो है एक आपको विषैला टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसका जो है हम लोग केमिकल वेपन के तौर पर यूज करते हैं। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वयं तब प्रज्वलित हो जाता है, इनफ्लेमेबल है काफी जो है, और ये खुद ब खुद जो है जल जाता है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, तो दोनों कथन सही, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, तो नोज जो है आपका नेजल कैविटी जो है उसके कंजेशन के लिए, उसके बंद होने के लिए जो है आपका कौन सा जो है इसमें जो है उत्तरदायी है, क्या कंट्रोल करता है, तो हिस्टामिन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका रनी नोज वगैरह जो होता है, स्नीजिंग वगैरह, इस पे जो है ये होता है एलर्जी वगैरह। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा
होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो है वो जो है किस टिश्यूज के बाद किस जो है ऑर्गेनेल से होता है, तो वो होता है अंतर्द्रवीय जालिका में, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें जो है ये होता है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है, तो लिम्फ जो है और ब्लड जो है वो किस टिश्यू का उदाहरण है, तो लिम्फ और ब्लड जो है वो कौन से टिश्यू का उदाहरण है, तो संवहनीय ऊतक का जो है उदाहरण है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दर्शित करता है, तो ओपन मार्केट जो है ऑपरेशन वो किसको रिलेट करता है इंडियन इकोनॉमी में, तो ये करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी, तो जो आपको कैपिटल अकाउंट जो है कन्वर्टिबिलिटी उसका जो है उसकी समिति किस समिति ने जो है उसकी सिफारिश की थी, तो वो की थी तारापुर समिति ने, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1997 में ये बनाई गई थी। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, तो ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में जो है किसने बताया था भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो ए एच बैरोज ने, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, तो कौन सा जो है आपको इकोलॉजिकल हॉट जोन जो है उसको माना जाता है, किस प्लेस को, तो वो माना जाता है पश्चिमी घाट को, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न घाट को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड म्यूजिक डे हम कब मनाते हैं, तो 21 जून को, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, जिस दिन योगा डे होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है, तो पहला जो है नेशनल जो है मैरीटाइम पार्क जो है वो कहाँ है, तो वो है कच्छ में, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा जीव नहीं बल्कि मन है, तो किसने ये बात कहा था कि टेस्ट का जो है ओरिजिनल प्लेस जो है वो जीव नहीं बल्कि आपका मन है, आपका जो है दिल है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था, तो सबसे पहले सोशलिस्ट नामक जो है समाचार पत्र इसका प्रकाशन किसने किया था, तो श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया हाउस में बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भी इसका किया था। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है, तो ये भैंसा सिंगी नामक जो है ट्राइब जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये नागालैंड में पाया जाता है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। HDPE का पूरा नाम क्या है, तो HDPE का पूरा नाम क्या है, तो ये है आपको हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। यहाँ पे कुछ जो है स्मरणीय तथ्य दिया गया है, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ, नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो दमदमा से उत्तर प्रदेश। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बुर्जा होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये भी बुर्जा होम से हुआ है। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, इंडस वैली साइड था। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगा और लोथल से। लोथल जो है एक डॉकयार्ड था, पोर्ट सिटी था, गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो एक साथ 2 जो है कंकाल को 2 लोगों को दफनाया गया, तो ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा और लोथल से। तो ये जो है हमारा पहला सेट था जिसको हमने किया, होप आपको पसंद आया होगा। आप लोग अपना स्कोर भी बता सकते हैं आपका कितना सही हुआ, और मैंने इसको बाइलिंगुअल रखने की कोशिश की है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।